सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार सब लोग? सबसे पहले जाके फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसा चल रहा है सब कुछ, घर पे सब लोग कैसे हैं एंड तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, फटाफट से जाके बता दो। तो ये वाली जो वीडियो है, 3 दिन से प्लान कर रहा हूँ लेकिन कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है एंड मेरा दिमाग मुझे बार बार बेवकूफ़ बना देता है एंड मैं काम को टाले जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज बैठ के रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो भैया, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहा हूँ अपने चैनल पे। उसी के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी क्योंकि आप लोग ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे सकते हो इसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई साहब, अगर आप लोगों को याद होगा आज से 3-4 साल पहले का सिनेरियो यूट्यूब पे, कि आप चाहे कोई भी वीडियो तब ओपन करते हो तो एक ही मतलब यूट्यूब को मतलब ऐसे ट्यूटोरियल की तरह बनाते हैं कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेन मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेन मोर फॉलोअर्स। ये सारे जितने भी लोग वीडियो बनाते थे, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी या फिर नहीं की होगी तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तब एक एडवाइस जो सब लोग देते थे, सिलेक्ट योर नीच एंड वर्क अपॉन दैट। बट 4 years later इन 2022, डू यू गाइस रियली थिंक कि वो चीज अब भी एग्जिस्ट करती है? अगर आप मुझसे पूछो, फॉर मी इट्स लाइक नो एंड यस बोथ। अब कैसे मैं समझाता हूँ? मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने जिस चीज से स्टार्ट किया था, यानी कि आपका जो फाउंडेशन है, आपको वो चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, बट विथ दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑल न्यू थिंग्स। जो वो 4-5 साल पहले के जो यूट्यूबर्स थे, अगर आप उनको आज अगर देखोगे, उन्होंने क्या किया है, एक चैनल पे सिर्फ टेक अपलोड करेंगे, दूसरे वाले में व्लॉग अपलोड करेंगे, उन लोगों ने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये है कि आपका जो फाउंडेशन है, यानी कि आपने जिस चीज़ को मतलब पकड़ के स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यू करना चाहिए, बट साइड बाय साइड आपको आपको अलग अलग चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का, आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंड मेरे ख्याल से ऐसे 2-3 चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए साइड बाय साइड। तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ मेजर चेंज लाने के बारे में चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं भैया बहुत ज़्यादा लेट चल रहा हूँ एंड मैं कोस रहा हूँ अपने आप को, सच बोल रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मतलब मैंने जो सोचा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पिछले साल के जो जून जुलाई के व्लॉग्स थे मैंने अब तक नहीं डाले, मतलब जो ट्रैवल व्लॉग्स थे, मतलब मैंने मतलब इतनी मेहनत से शूट किया था, लेकिन ऑफ कोर्स लाइफ में कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है एंड उसके बाद आपका जो मतलब एक वर्क फ्लो चल रहा होता है वो डिले हो जाता है एंड उसके बाद आप खुद इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं पहले वो वाला अपलोड करूँ या अभी शूट करके कुछ फ्रेश कंटेंट डालूँ। तो वो सब मेरे साथ भी हो रहा है अभी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रैवल व्लॉग्स तो डालूंगा, उस साल का डालूंगा एंड ट्राई करूंगा कि प्रेजेंट के साथ, यानी कि अब जो हो रहा है उसके साथ रेलिवेंट रहूं एंड उस टाइम पे जो सारा शूट किया था वो आज भी रेलिवेंट है एंड हमेशा रेलिवेंट रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज, तब कोविड गाइडलाइंस थे, अब कोविड गाइडलाइंस नहीं है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड सेकेंड चीज़ मैंने जो सोचा है, मैं फिल्म्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। मतलब ये जो थॉट है, मतलब मेरा एक इससे पहले एक और चैनल था, वहाँ पे भी मैंने सोचा था। ये एक ऐसा मतलब फील्ड है जहाँ पे मुझे मतलब बात करने में भी बहुत मज़ा आता है एंड आप लोगों ने KGF वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। उस टाइप के सारे मतलब फिल्म रिव्यूज़ हो गया कि फिर फिल्म डिस्कशंस करेंगे अलग अलग, वो भी करेंगे, वो मैंने डिसाइड किया है कि वो करेंगे श्योर, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड मैं बहुत खुल के बात कर सकता हूँ वहाँ पे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं वैसी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ एंड आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तो आप लोगों को भी आई होप मज़ा आए उस सीरीज़ में, उसके लिए बने रहना चैनल पर। एंड थर्ड चीज़, आपने ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा, ये वाला थंबनेल अभी आ रहा होगा नीचे स्क्रीन पर, ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मोस्टली आपको मतलब जो 70-80% ऑडियंस है उसको तो मतलब आइडिया लग ही गया होगा कि क्या आने वाला है। तो हाँ, वो भी आएगा। द थिंग इज, अभी मैं प्लान नहीं कर पा रहा कि कैसे डालूं, मतलब इतने सारे कैटेगरीज हैं एंड इस चीज़ के बारे में मतलब वीडियो आज बना रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। सो आई एम प्रिटी श्योर दैट आई एम क्लोज टू द एग्जीक्यूशन एंड वंस इट गेट्स एग्जीक्यूटेड आई एम नॉट गोना स्टॉप, इस बार पक्का। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे कि इस बार कंसिस्टेंट रहें, इवन इफ अगर मतलब कंसिस्टेंट अगर ना भी रहे, मतलब लेट्स से मतलब थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंसी कम भी हो
मैं चाहूँगा कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो, लेकिन कंसिस्टेंस ना रहने का मतलब इतना भी नहीं कि मतलब पूरा 2-3 महीने पूरा खाली पड़ा हुआ है चैनल। सो दैट इज़ द थिंग, वो चीज़ मेरे को बात करनी थी तुम लोगों से, इसीलिए ये वीडियो बनाया। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताओ कि तुम लोगों का क्या फीडबैक है, तुम लोग क्या बोलते हो। मतलब मैंने जो ये बोला कि मतलब 4-5 साल पहले का जो चल रहा था एंड अभी जो चल रहा है, डोंट यू थिंक इट्स रेलिवेंट और डू यू थिंक आई एम रॉन्ग, तो ये जरूर बताना। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो से आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन एंड बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, तो बस यही बताना था। तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो पर। ठीक है, बाय बाय। A man.